भारत में एक हिंदू कहानी है। राम के जीवन पर सबसे पुरानी किताब वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। वाल्मीकि एक डाकू चोर हत्यारे थे। आप जो भी सोच सकते हैं वह सब कुछ उन्होंने किया था। यही उनका एकमात्र पेशा था। अशिक्षित लेकिन बेहद शक्तिशाली व्यक्ति। राजमार्ग पर वह लोगों का इंतजार करते थे और जो कोई भी पकड़ा जाता था उसे अपना सब कुछ देना पड़ता था, अन्यथा वह जान से मार देते थे। वाल्मीकि का परिवार विलासिता में रह रहा था। वह हर दिन बहुत कुछ ला रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सुंदर संत नारद, जो हमेशा अपना इक्तारा लेकर चलते थे, एक साधारण संगीत वाद्य यंत्र केवल एक तार वाला जो उनका प्रतीक बन गया था, वह अपने इक्तारे पर गाते और बजाते हुए गुजर रहे थे और वाल्मीकि ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन वह अभी भी अपने इक्तारा पर गा रहे थे और बजा रहे थे। वाल्मीकि ने कहा, क्या तुम पागल हो या कुछ और? क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? क्या तुम मेरी तलवार नहीं देख सकते? मुझे वह सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है। नारद ने कहा, तुमने एक भिखारी को पकड़ लिया है। मेरे पास सिर्फ यही एक तारा है और वह भी मैं आसानी से नहीं देने वाला, क्योंकि इससे तुम क्या करोगे? लेकिन अगर तुम यह चाहो तो मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ। यदि तुम मेरी जान चाहते हो तो मैं वह भी दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वाल्मीकि ने कहा, प्रश्न? क्या सवाल है? नारद ने कहा, तुम घर जाओ, अपनी पत्नी से पूछो। तुम लोगों को मार रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, क्या वह इसकी जिम्मेदारी साझा करने के लिए तैयार है? अपने पिता, अपनी माँ, अपने बेटे, अपनी बेटी से पूछो, क्या वे आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी साझा करने को तैयार हैं? वाल्मीकि ने कभी ऐसी बात नहीं सोची थी। वह एक अशिक्षित आदमी था। उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। उन्हें जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। मैं यह उनके लिए कर रहा हूँ। नारद ने कहा, मैं यही रहूँगा, चिंता मत करो। तुम मुझे पेड़ से बांध सकते हो ताकि मैं बच ना सकूं। उसे पेड़ से बांध दिया गया और वाल्मीकि दौड़कर अपने घर गया और अपनी पत्नी से पूछा। उनकी पत्नी ने कहा, मुझे आपकी जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी पत्नी को खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसे कैसे करते हैं मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और सभी का यही जवाब था। माँ ने भी कहा, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आप इसे कैसे कर रहे हैं कि आपको वर्कआउट करना होगा? हमने तुमसे लोगों को मारने और लोगों को लूटने के लिए नहीं कहा है। आप इसे अपने आप कर रहे हैं। हम आपके किसी भी नृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनके घर का एक भी आदमी जिम्मेदारी बांटने को तैयार नहीं था। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वह वापस गया, नारद को बंधक मुक्त किया, उसके पैर छुए और कहा, मैं पूरी जिंदगी एक गलत इंसान रहा हूं। क्या मैंने जो कुछ किया है उससे छुटकारा पाने के क्या मैंने जो कुछ किया है उससे छुटकारा पाने की कोई संभावना है? नारद ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि जिनके लिए आप यह कर रहे हैं वे इसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। और मैं तुम्हें अपना गाना सिखाऊंगा। मेरा गाना बहुत सरल है। मैं तो बस राम का नाम दोहराता हूँ। यह बहुत सरल है, किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप पेड़ के नीचे बैठकर जब तक संभव हो राम राम दोहराते रहें।
और आप रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि आंतरिक रूप से आपका अंतरात्मा हमेशा शुद्ध रहता है। यह केवल इसकी परतें हैं जिन्हें गिराया जा सकता है। कुछ महीनों के बाद नारद वापस आए और वह आश्चर्यचकित रह गए। वाल्मीकि वहां पेड़ के नीचे बैठे थे। नारद पूरी जिंदगी हिंदू भगवान राम का नाम दोहराते रहे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वाल्मीकि प्रकाश की आभा से घिरा हुआ थे। बस उनके करीब जाकर तुम्हें एक अद्भुत शांति, एक महान आनंद का अनुभव हुआ।